हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यूक्रेन को मिला यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस। रशिया यूक्रेन वॉर ने आज दुनिया में बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर दी है। कई देश, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी कंट्रीज रशिया पर सैंक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वे इस वॉर को रोक दे, पर रशिया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी यूक्रेन ईयू का पार्ट नहीं बना है, अभी उसे केवल ईयू का कैंडिडेट स्टेटस दिया गया है। यूक्रेन के साथ सेम स्टेटस मल्डोवा और जॉर्जिया को भी दिया गया है, जो रशियन इंपेरियलिज्म को फेस कर रहे हैं। चार्ल्स माइकल, जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि 27 लीडर्स ने इसका अप्रूवल दे दिया है। साथ ही उन्होंने इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट भी बताया है। पर क्या दूसरे देशों का यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होना इतना आसान है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस एक्शन की वजह से ईयू में ही टफ और डेलिकेट डिबेट छिड़ गया है। ईयू में कई देश हैं जो उसका एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं। लास्ट टाइम 2013 में क्रोशिया को ईयू में ज्वाइन किया गया था, जिस पर ब्रसेल्स ने आपत्ति जताई थी। इस डिबेट का कारण ये है कि अभी काफी देश पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2011 के सोवरेन डेट क्राइसिस के साथ साथ 2015 के साइरियन सिविल वॉर की रिफ्यूजी वेव की वजह से यूरोपियन यूनियन के देशों में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं। इन कारणों की वजह से मेंबर कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के एक्सपेंशन से ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पर जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से देखा जा रहा है कि सभी देश एक दूसरे पर कितना डिपेंड करते हैं। कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली के लीडर्स ने यूक्रेन के कीव को भी विजिट किया था, ताकि वे यूक्रेन को ईयू में शामिल होने पर सपोर्ट कर सके। जिस पर पोर्टुगीज के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा ने एक सच बात कही, और वो ये है कि लीगल डिबेट्स को ओपन करने के बजाय यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन को जल्द से जल्द हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ईयू में किसी नए मेंबर का ज्वाइन होना एक लेंथी प्रोसेस है। इसी के साथ एक देश को यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने का मतलब है और देशों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे खोलना। इसी का एक एग्जांपल देखें तो कोसोवो एक ऐसा देश है जो 4 साल से ईयू में शामिल होने का वेट कर रहा है। ये बात अलग है कि इसे एज अ कंट्री केवल 110 देशों ने ही एक्सेप्ट किया है, और यही यूरोपियन यूनियन के लिए टेंशन भी क्रिएट कर रहा है। अगर ईयू यूक्रेन को इमीडिएटली मेंबरशिप दे देता, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे देश जो सालों से इसका पार्ट बनना चाहते हैं, वो रशिया की तरफ चले जाएंगे, जो यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता। पर क्यों दूसरे देश इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर कोई देश ईयू में शामिल हो जाता है, तो ईयू ट्रीटी क्लॉज के तहत सभी मेंबर्स को विक्टिम कंट्री को अपनी पूरी ताकत के साथ मदद करनी होगी, और यूक्रेन की कंडीशन देखते हुए बहुत से देश ऐसा नहीं करना चाहते। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मेंबर कंट्रीज को मिलता है, वो ये है कि 450 मिलियन लोगों को मार्केट का एक्सेस, जहां लेबर, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का फ्री मूवमेंट होता है। तो कौन सा देश यहां यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा? अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ये 28 देशों से मिलकर बना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी नींव वर्ल्ड वॉर टू के बाद रखी गई थी, पर 1993 में इसके मेन फॉर्म को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में मौजूद है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए 28 देशों ने स्ट्रेच ट्रीटी पर साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। इसके बाद इस ट्रीटी को 3 बार अमेंड किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।